So guys, आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है. टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग 4 years ऑफ जर्मनी. ओह माय गॉड, आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड हैप्पी. आई कैन टेल यू गाइज, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो और आपको मेरा लास्ट व्लॉग कैसे लग रही है. आर यू लविंग इट और यू वॉन्ट सम चेंजेस, प्लीज़ डू लेट मी नो. एंड गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रहे हो देन लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ फॉलो मी, इट्स नेहती है अंडरस्कोर. चलो गाइस, फिलहाल लेट्स गेट रेडी. मुझे फिलहाल फिर से मन कर रहा है सोने का, बट अब सो गई तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स गो. सो गाइस, मंदिर एंड एवरीथिंग हो गया था एंड फिलहाल मैं एक एडिटिंग कर रही हूँ जो मुझे आज डालनी है 4 बजे. वो वीडियो एडिट हो रही है, एडिट हो चुकी है, मतलब आई एम फिक्सिंग द थंबनेल एंड एवरीथिंग. सो मुझे बेसिकली उसे प्रीमियर पर डालना है एंड उसके बाद आई विल बी मेकिंग अ लिस्ट. वो लिस्ट किस चीज़ की बना रही हूँ मैं, उसके लिए एक पूरी की पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ आपके लिए. सो स्टे ट्यून्ड. एंड आज का दिन तो है ही बहुत स्पेशल. इसके बाद मुझे केक पिक करने जाना है. केक स्पॉन्सर्ड है बट स्टिल आई हैव टू पिक इट एंड देन, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आई विल कम टू कॉल बहुत नियर बाय. सो नॉट एन इशू फॉर मी, प्लस मुझे और भी सामान लाने हैं. सो एक ही बार में आई विल बी ब्रिंगिंग इट. सो यस, लेट्स मेक इट. गाइस, मैं केक ले आई हूँ जाकर एंड केक में बहुत लफड़ा हुआ, मतलब वो इतना बड़ा केक बनाया. थैंक यू सो मच, फैबुलस, इतना ज़्यादा प्यारा केक है, मस्त लग रहा है बहुत ज़्यादा. सो वो इतना बड़ा था ना कि मैं अकेले नीचे रख के नहीं ला पाई, तो मुझे बिल्कुल लेने आना पड़ा. दिन में पीछे पकड़ के लाई. सो फिलहाल हम बनाने वाले आज मैक्रोनी. सो चलते हैं. मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये शिमला मिर्च, रेड टमाटो एंड ये कुछ फली है. सो हम इससे बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले इसको धो देते हैं. गाइस, जब तक ये धुल रहे हैं तब तक हम बनाने वाले हैं मैक्रोनी. उसको बॉईल करना होता है. सो वहाँ चल. गाइस, यहाँ पे इसका पानी निकाल दिया है. अभी जब तक ठंडे होंगे तब तक हम सब्जी बनाएंगे. तो ये कुछ सब्जियाँ, ये टमाटर, ये शिमला मिर्च और ये है बीन्स. ये सब डालेंगे हम एंड हम डालने वाले ये और चीज़ें ये सब.
गाइस पास्ता रेडी हो चुका है, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। अब ऑफ कोर्स मैं ओनियन नहीं खाती हूँ तो इसमें ओनियन नहीं डला है, लेकिन इट्स लुक सो डैम यम्मी यार, मेरा मन कर रहा है सारा खा लूँ। सो यार लेट्स गो, पास्ता रेडी है एंड मैंने दो प्लेट्स में लगा लिया है फॉर मी एंड दी, एंड लेट्स द सेलिब्रेशन बिगिन। पीना हो गया भाई, बहुत मज़ा आया, एकदम पेट ना फुल भर चुका है। सो गाइस फिलहाल ये वाला बॉक्स है जो मुझे ग्लू बॉक्स में दिया है एंड हम डेकोरेशन करने स्टार्ट करने वाले हैं एंड फिर हमें शूट करना है एंड केक कटिंग एंड सो ऑन। ओह माय गॉड आई एम सुपर डैम एक्साइटेड, सो लेट्स गो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा औसम पास्ता बना है। इसने बोला मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो मेरा फेस मत देखो, सिर्फ मेरी आवाज़ महसूस करो। और बहुत अच्छा पास्ता बनाया, क्रिस्पी और सॉफ्ट, और ज़िंदगी में कभी उसने ऐसा नहीं बनाया है। आज उसका फंक्शन था तो इसने दिल से और उस दुआओं से बनाया है, नहीं तो हमेशा ऐसे ही बनाती है, लेकिन आज अच्छा था। आवाज़ महसूस करो और इन्जॉय करो, बाय। मैं हूँ रेडी, दिया रेडी एंड अब हम करने जा रहे हैं सेलिब्रेशन। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि पीछे का व्यू कैसा हुआ है, वन सेकेंड। सो गाइज ऐसा कुछ डेकोरेशन है एंड ये केक है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। गाइज दिस होल डेकोर विच यू आर वॉचिंग इज फ्रॉम ग्लुक, द ग्लुक बॉक्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप आराम से उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल काम करवाते हैं, मेरे को उनके काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। इतना सुंदर हर चीज़, क्वालिटी वाइज, डेकोरेशन वाइज, थीम वाइज, इट वॉज लुकिंग सो अमेजिंग। टोटली हमारे घर की वॉल हमें ऐसी लग रही थी जैसे ये हमारा घर है ही नहीं, तो टोटल थीम वॉज अमेजिंग। एंड जो इन्होंने चीज़ें प्लान करी थी, द डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स विच यू आर वॉचिंग, एंड ये देखो कितने मस्त मस्त चीज़ें थी, मज़ा आ गया था। थिंकिंग ऑफ थीम एंड एवरी थिंग वॉज अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट। प्लीज़ गो एंड फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम। एंड ये केक फैबुलस केक ने बनाया है, विवेक विहार में है, मैंने इनका भी लिंक दे दिया, आप आराम से उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल केक बनाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा यमी बनाते हैं, मैं तो हमेशा से ही इनसे लेती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फैबुलस टीम मुझे केक सेंड करने के लिए, इतना सुंदर इतना प्यारा केक है ना, मन कर रहा है सारा का सारा मैं ही खा जाऊँ, बहुत ज़्यादा यमी है। सी द ब्यूटी ऑफ द केक, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद देम। प्लीज़ गो एंड फॉलो देम, द ग्लूक बॉक्स एंड द फेबुलस केक, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जो आप देख रहे हो वो बेसिकली जितने भी मैंने फ़ोटोज़ किए हैं एंड एवरी थिंग किए हैं उसका मेक है एक बेसिकली। आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप जर्मन ज्ञान पे प्लीज़ जाके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी the whole video, how I celebrated when I cut it the cake and everything you will be watching on that. So go and subscribe German Gyan and keep watching It's Nidhi Here too. So guys ab aap dekho aur batao kaisa laga celebration, because mujhe to bahut zyada maza aaya,
ग्लुक बॉक्स ने भी कमाल का काम किया एंड केक अगर सेलिब्रेशन में ना हो तो ऑफकोर्स सेलिब्रेशन अधूरा होता है. थैंक यू सो मच वंस अगेन द ग्लुक बॉक्स एंड द फैबुलस केक टीम मेरी सेलिब्रेशन में मेरा साथ देने के लिए. प्लस गाइस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पॉन्सर्स और हैं, वो गिफ्ट्स मैं उसकी पर्टिकुलरली डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो कीप वॉचिंग इट एंड एंजॉय इट. शूट हो चुका है एंड मैंने पैक करके सामान भी रख दिया है. फिलहाल मुझे रील्स बनानी है इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है एंड आपको एक बार मौसम दिखा देती हूँ. बहुत ही ज़्यादा सुना मौसम है, सुना मौसम है. सो गाइस चलते हैं, आपको एक बार अपने आउटफिट भी दिखा देती हूँ. वन सेकेंड. सो ये मेरी आउटफिट है, मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी. सो आप दिखा दिया, बाय द वे आपने ऑलरेडी देख लिया होगा बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा प्यारी है यार. इसका कलर देखो यार, जस्ट आई एम जस्ट लविंग इट. कमेंट करके प्लीज़ बताना कि कैसी लग रही है. फिलहाल मैं जल्दी से रील्स बनाती हूँ एंड फिर आप लोगों से मिलती हूँ चेंज करके. एंड मुझे बहुत सारे अलग अलग काम भी हैं, बहुत सारी वीडियो हो गई यार, सबकी एडिटिंग करनी है बैठ के. उफ, एक यूट्यूबर का दर्द कौन जाता है. मैं जाती हूँ. चलो गाइज मिलते हैं. गाइज आई हैव डन अ चेंज एंड एवरीथिंग. बाय द वे गाइज एक चीज़ जो मैं मतलब बहुत दिल से बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, गाइस थैंक यू. मतलब आपके बिना ना जो कुछ भी मैंने 4 सालों में किया है या मुझे मिला है, मैंने अचीव किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू. आप नहीं होते ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी. थैंक यू सो मच. जब मैंने स्टार्ट किया था ना, लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ये भी दिन आएगा कि मैं 4 साल कंप्लीट करूँगी. इट वॉज अ बिग 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 ड्रीम एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू वो कम्प्लीट हुआ है. थैंक यू सो मच मुझे एक टीचर बनाने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, एक ब्यूटिफुल सोल बनाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट गर्ल बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग वुमन बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए. थैंक यू तहे दिल से आप सबका शुक्रिया. थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल. बाय द वे गाइस जस्ट सी हाउ अमेजिंग इट लुक्स. ओ माय गॉड इट्स सो फ्रीकिंग अमेजिंग. And if I open it, just give me a second. Oh, for yes, I'm Chavan Gyan. Thanks, Deepa, for doing this. I loved it. सब कुछ हो चुका है एंड बस मुझे एडिटिंग करनी है. हम एडिटिंग करने वाले हैं एंड एडिटिंग करके जल्दी से अपलोड करते हैं ब्लॉग्स. आज सब देखें एंड मिलते हैं आप लोग बस नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन स्टे हैप्पी.